अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का कबाब। बनाना शुरू करते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने सिरके पानी में चिकन को रखा था। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारे स्पाइसेस, 2 चम्मच भर के किसी भी मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, नमक हसबी जरूरत, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 पिंच फ्रूट कलर, ये टिक्का मसाला, ये सारे भी ऐड करेंगे इसमें। फ्रूट कलर आप स्किप भी कर सकते हैं। मीठा सोडा 1 पिंच, इससे जूसी बनेगी। 1/2 बॉल दही, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। चिकन को अच्छी तरह मैंने मसाला सारा मिक्स कर दिया। अभी इसको 2 घंटे मैरिनेट कर रखेंगे। आप चाहे तो रात भर भी रख सकते हैं। 2 घंटे हो गए चिकन को मैरिनेट करके रखा था। अब इसको बनाना शुरू कर देंगे। कोई ऑयल कुछ भी नहीं डालना है, हम लोगों ने इसको वैसे ही पकाना है। आंच पे इसको पकाते हैं, 1/2 घंटा पकाएंगे। 1/2 घंटा हो गया, अभी चिकन को चेक करते हैं। पानी सारा ड्राई हो गया और चिकन भी हमारी गल गई है। और भी लुक देते हैं। अच्छा, मैं जाली में कर रही हूँ। अगर आपके पास रह गया तो आप रैक पे भी पका सकते हैं। मेरे पास है नहीं तो मैं जाली में कर रही हूँ। इसको भी धुनी देंगे। ये इसके ऊपर मैंने देसी घी डाल दिया। 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। तो हटा देते हैं कटोरी। ये चिकन टिक्का कबाब हमारे बन गए। रायता सलाद के साथ इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कल मिलूंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।